स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों देखने के लिए मिल रहा है बहुत कुछ मजेदार। किस तरह से आरोही और अभिमन्यु की शादी टूटी, अक्षना ने अपने प्यार का इजहार किया और ऐसे में बिरलाज और गोयनकास फिर से एक दूसरे के खिलाफ हो गए। लेकिन ऐसे में अभी और अक्षु दोनों ही कर रहे हैं पूरी कोशिश किसी तरह से सब कुछ नॉर्मल करने की। और यहाँ अब आप देखने वाले हैं कि आज तक अक्षु और आलू के बीच में जो भी गलत फहमियाँ रही, आलू के मन में जो भी कड़वाहट रही है अक्षु के लिए, अब वो खुद ही सब चीजों को भूल कर अक्षु के साथ करने वाली है एक नई शुरुआत। जो यहाँ बिल्कुल सही सुना आपने, इन शो में अब ऐसा कुछ देखने के लिए मिलने वाला है जो आज तक नहीं देखा गया। और यहाँ आप देखेंगे कि जब आरू अपने हॉस्पिटल से वापस घर आएगी तो ऐसे में मनीष ये देखकर बहुत गुस्सा होगा कि आरू ने अभी तक रिजाइन नहीं किया है। लेकिन तभी आरू सबको समझाते हुए नजर आएगी कि वो रिजाइन क्यों थे, उसने कोई गलती नहीं की है, ये उसका काम है। एक डॉक्टर कभी भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटता, इस वजह से वो भी नहीं हटेगी। तब अक्षु भी आएगी उसके सपोर्ट में, उसका साथ देते हुए नजर आने वाली है। तभी आप देखेंगे कि अक्षु अपने कमरे में होगी, उसका गिटार गिरने वाला होगा, लेकिन तभी आकर आरू उसके गिटार को बचा लेगी और ये देखकर अक्षु बहुत खुश होगी। और तब आरू उसे ये कहते हुए नजर आने वाली है कि वो उसे माफ करती है, वो एक नई शुरुआत करना चाहती है, वो इन सब चीजों से अब थक चुकी है। ये सुनकर अक्षु बहुत ही ज्यादा खुश होगी कि पहली बार उसकी बहन उसके इतना पास आई है, उससे इस तरह से बातें की है। यहाँ दोनों ही बहनों के बीच अब सब कुछ पुरानी कड़वाहटें खत्म होने वाली है। वही आप देखेंगे कि कायरव ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा इमोशनल होता हुआ नजर आएगा। यहाँ अभिमन्यु होगा जो अलीशा को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान होगा, बार बार उसके मन में अलीशा का ख्याल आ रहा होगा। इसी के साथ अब आप देखने वाले हैं कि अक्षु करेगी अभिमन्यु को फोन, बहुत ही ज्यादा वो खुश नजर आएगी। नील भी उसकी बातें सुनेगा जब अक्षु बताएगी कि आरू ने उसे माफ कर दिया है, वो एक अब नई शुरुआत करने वाले हैं। तो ऐसे में अभी ये जानकर बहुत खुश होगा, लेकिन नील को होगा डाउट कि आखिरकार वो लड़की इतनी जल्दी कैसे मान गई है। वही अब आप देखेंगे कि अभिमन्यु अपने हॉस्पिटल से रिजाइन कर देगा, वो अपना बिरला हॉस्पिटल छोड़ते हुए नजर आने वाला है, जिसे सुनकर घर वालों को एक गहरा झटका लगने वाला है। लेकिन तभी अलीशा का फोन आएगा अभी के पास, वो भी को मिलने के लिए बुलाएगी और उसकी बातें सुन लेगी आरू। आरू भी अक्षु को मिलने के लिए बुलाएगी कि उसने सुना था अभी को किसी लड़की से बात करते हुए और उसे कुछ ठीक नहीं लगा, इसी वजह से वो उसे यहाँ लेकर आई है। आप देखने वाले हैं कि अक्षु भी वहीं पर होगी और तब अभी भी उस लड़की के साथ वहीं पर होगा। आखिरकार ये लड़की कौन है, किस वजह से ये वापस आई है अभी की जिंदगी में, और क्या फर्क पड़ेगा अभी और अक्षु के रिश्ते पर इस लड़की के आने से, ये सब देखना बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो देखते रहिए स्टार प्लस पर ये रिश्ता क्या कहलाता है।